तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहे हैं मेरे पास आया है यामा कंपनी का YBR बाइक है। और इस बाइक जब हमारे शॉप पे आया तो जो साइलेंसर होता है साइलेंसर से पोल्यूशन आ रहा है और इसका साउंड क्वालिटी ख़राब है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये इंजन थोड़ा लेट से आया है, जैसे कि हल्का पोल्यूशन आ रहा था तो उस वक़्त ही आना चाहिए था, लेकिन इसने गलती कर दिया है और लेट करके आया है। तो मेरे पास जब ये बाइक आया मैंने महसूस किया, स्टार्ट किया इस बाइक को, तो पोल्यूशन तो आ रहा है, इसका साउंड क्वालिटी भी ख़राब है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों यामा बाइक में साउंड क्वालिटी हम लोग किस तरह से चेकअप करें मैं आपको बताऊंगा। इसका साउंड क्वालिटी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन हमने जब खोला पिस्टन को खोलने के बाद क्रैंक हम लोग चेकअप कर रहा है तो इसका कनेक्टिंग रॉड कोई बिल्कुल भी प्ले नहीं है और साउंड क्वालिटी ठीक है। टाइमिंग चेन भी मैंने देखा, टाइमिंग चेन भी पूरा टाइट था। अब अचानक क्या ख़राब हुआ है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसका इंजन फिट करके आपको दिखाऊंगा और ये बाइक का जो पोल्यूशन होता है वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे मैकेनिक भाइयों एक पोल्यूशन जब बाइक में आता है तो हम लोग क्या क्या चीज़ चेकअप करता है और क्या क्या चीज़ हम लोग डालते हैं नया, वो सब चीज़ इस वीडियो में भाई बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था जो एक मैकेनिक टीवी ऐप्स है उसमें अभी चल रहा है इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट और आप लोग उसमें हिस्सा ले सकते हो, भाग ले सकते हो और जीतने वाले को मिलेगा 10,000 रुपये इनाम। वो जो रुपया है वो देगा मैकेनिक टीवी वाले से। तो मेरे मैकेनिक भाइयों आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और डाउनलोड करके रख दीजिए और उसमें काफ़ी सारे वीडियो होता है जो मैकेनिकोलॉजी वीडियो होता है, BS6 BS4 हर तरह का उसमें आप लोगों को बताता है किस तरह से हम लोग शॉर्ट आउट एंड सॉल्यूशन करें हर कोई प्रॉब्लम का वीडियो का, जैसे कि कोई भी बाइक का जो बीमारी आता है उसका ठीक करके दिखाता है और उसमें सॉल्यूशन बाहर करता है मैकेनिक टीवी ऐप से। तो उस वीडियो में मैं बताया था, लेकिन आज मैं दूसरा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। उसमें एक चल रहा है बड़ा सा इंडिया का कॉन्टेस्ट चल रहा है और आप लोग भाग ले सकते हो, जैसे कि 22 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, आज 30 तारीख है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों जल्दी से जाइए, जो कोई भी बाइक आता है उसको आप लोग अपने तजुर्बे से, जैसे कि कोई भी ख़राब बाइक आ रहा है स्टार्ट नहीं ले रहा है, अपने तजुर्बे से अपने अनुभव से आप लोग वीडियो बनाइए, उस बाइक को ठीक करिए और मोबाइल का कैमरा हो किसी का कैमरा से शूट करके और आप लोग शॉर्ट आउट एंड सॉल्यूशन करके बाइक को ठीक करके एक वीडियो बनाइए और मैकेनिक टीवी ऐप्स को दे दीजिए। वीडियो है आप लोगों को छोड़ेगा मैकेनिक टीवी एप्लीकेशन पर, मैकेनिक शाला पर, उसमें वीडियो आप लोगों को चलेगा। जिसका सबसे ज़्यादा वीडियो चलेगा, रैंक ज़्यादा करेगा, उसको मिलेगा 10,000 रुपया इनाम, वो रुपया देगा मैकेनिक टीवी वालों से। तो देर किस बात की है, आप लोग चाहिए तो मेरे मैकेनिक भाइयों हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक है, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए और आप लोगों का ही फायदा है, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। अपना अपना मोबाइल से शूट कीजिए क्योंकि आप लोग सब मैकेनिक हो और आप लोग को अनुभव तजुर्बा है बाइक का काम करने का, तो वो भी आप लोग बनाए, जैसे कि कोई भी वीडियो बनाइए, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैकेनिक टीवी के लिए आप लोग वीडियो बनाइए और जैसे कि आप लोग वो वीडियो शेयर कीजिए, उसको दीजिए, उसको किस तरह से देना है व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों आज का जो वीडियो का टॉपिक है हम आप लोगों को बताएंगे, ये जो इंजन है इस बाइक का इंजन खोला है, ये जो हेड फेड हर कोई चीज़ खोला है, किस तरह से हम लोग सेटिंग करें और इसमें क्या क्या हम लोग डालें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों हम इसमें डालेंगे क्या क्या मैं बता देता हूँ। इसका साउंड क्वालिटी ख़राब हो गया था, जैसे कि इसने देर कर दिया था और ये जो कैमशाफ्ट है ये कैमशाफ्ट ख़राब हो चुकी है, थोड़ा दाग हो चुकी है, अगर हम ये कैमशाफ्ट डाल देंगे तो बाइक का साउंड क्वालिटी ठीक नहीं होगा। और ये जो दोनों रॉकर है, दोनों रॉकर में भी थोड़ा खरोच आ गया है, तो रॉकर भी हम लोग चेंज कर देंगे, इसका साउंड क्वालिटी बिल्कुल न्यू बाइक के जैसा आएगा। और मैकेनिक भाई पोल्यूशन के लिए जब सबसे पहले ये ख़राब हुआ था, ठीक है, इसका जो रिंग है ऑयल रिंग ये ख़राब हो गया था और ऑयल को लॉक नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले हम इसे डालेंगे पोल्यूशन के लिए और साउंड क्वालिटी के लिए हम डालेंगे इसे, ठीक है। और मैकेनिक भाइयों पोल्यूशन के लिए और भी कुछ चीज़ है, जैसे कि यहाँ वाल्व है, वाल्व के अंदर अगर आप लोगों का वाल्व ठीक रहे तो आप लोग वाल्व मत डालिए, न्यू मत डालिए, पुराना वाल्व को चलाइए। मेरा पुराना ओल्ड वाल्व है, एकदम बिल्कुल अच्छा है, तो मैं इसे ही डालूँगा और इसका कारण मुझे वाल्व सील डालेंगे। तो वाल्व सील ये है न्यू वाल्व सील मेरे मैकेनिक भाइयों, इसका कीमत है मैं आपको बता देता हूँ, 86 रुपये कीमत है। और कैमशाफ्ट का कीमत है, ये कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट का कीमत है मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि देख पा रहा है इसका कीमत है 860 रुपया। और रॉकर का कीमत है 137 रुपया करके है, दो रॉकर है मेरे पास, ठीक है। और एक सिलेंडर का पैकिंग डालेंगे इसमें, ये सब कुछ चीज़ डालेंगे और बाइक में इंजन ऑयल डालेंगे और ये बाइक को फिट करेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों चलो हम आपको हेड किस तरह से सेटिंग करें और पिस्टन किस तरह से सेटिंग करें, टाइमिंग किस तरह से सेटिंग करें, ये सब कुछ चीज़ बताते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जब से सबसे पहले हम डालेंगे न्यू वाल्व सील इस बाइक में, ठीक है, न्यू वाल्व सील हमने डालेंगे, ठीक है। तो चलो, दो वाल्व सील डाल दिया, ठीक है। अब सवाल है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से हम पोछेंगे। इसको पूरा ग्राइंडिंग कर लिया है, इसको पूरा ग्राइंडिंग कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से पोछ डाला, और ये वाल्व भी हमने इस तरह से डालेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से पोछ लिया है और इसके अंदर हम घुसा लेंगे, ठीक है, घुसा दिया है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम स्प्रिंग डालेंगे। इसको उल्टे या सोझे भी डाल सकते हैं, कोई कोई बाइक में अलग होता है। और डालने के बाद ये वाशर रहेगा, और मेरे मैकेनिक भाइयों, ये दोनों लॉक रहेगा। दोनों लॉक को हम इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। बस ये सेटिंग हो गया। अब इस पुलार की मदद से हम इसको सेटिंग करेंगे, और आप लोगों को सेटिंग करने के बाद दिखाता हूँ। बस ये सेटिंग हो चुकी है, ठीक है, ये सेटिंग हो चुकी है। दोनों वाल्व को सेटिंग कर लिया है, ठीक है। और इसमें हम कैमशाफ्ट न्यू डालेंगे, कैमशाफ्ट न्यू डालेंगे, ठीक है। तो चलो, कैमशाफ्ट न्यूट्रल पोजीशन में रखिए, दो छेद वाला ऊपर रहेगा। तो चलो, इस तरह से हम इसे लगा देते हैं, बस, ठीक है। और दो रॉकर है, रॉकर को सेटिंग करेंगे। दो न्यू रॉकर है, इसको डालेंगे, ठीक है। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो रॉकर का जो पिन होता है, ये जाम होता है, और इसे इस तरह से भरना पड़ता है, ठीक है। मैंने भर दिया है, अब हम दूसरे को भरेंगे, ठीक है। ये पुराना जो रॉकर है, इसमें नाट है, इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। खोल के उसे सेटिंग करेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, कैमशाफ्ट न्यूट्रल पोजीशन में, ये जो कटिंग वाला है न्यूट्रल पोजीशन में यही रहता है, और दोनों रॉकर नाट लगा दिया है। अब पिस्टन को लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को हम बताएंगे, ये न्यू मेरा पिस्टन है, और ये मेरा पिस्टन ख़राब हो चुकी था। अब हम डालेंगे न्यू पिस्टन रिंग, तो इसे हम लोग असेंबली किस तरह से करें वो आपको बताएंगे। ये जो पिस्टन का रिंग है, और ये पिस्टन हमने उषा कंपनी का लगाया है, क्योंकि उषा कंपनी अभी बेस्ट है और अच्छा चल रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यामा बाइक का उषा कंपनी का कीमत है, पिस्टन का कीमत वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 960 रुपये इसका कीमत है। इसीलिए जो लेद वाला है इसे नहीं रखता है, गोज का लाते हैं, श्याम का लाते हैं। लेकिन उषा कंपनी का अच्छा क्वालिटी है, अगर 100 रुपये ज़्यादा भी लगे, इंजन का बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को डुप्लीकेट नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, चलो हम इसे लगाते हैं, और आप लोगों को ग्रुप किस तरह से रखना है ये आप लोगों को 100% कंफर्म करके आपको बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा सार क्लिप, उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं जो पिस्टन रिंग का ग्रुप किस तरह से रखे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो तीर चिन्ह है आपको देना है साइलेंस कर साइड, जैसे कि इस तरह से लगाएंगे हम, ठीक है। तो सार क्लिप हमने इस साइड में डाला है, और सार क्लिप को हमने इस साइड पर डाला है, क्योंकि हमको पिस्टन इस तरह से लगाना है। और ये जो गजन पिन है, हमने इसे पुश कर दिया है। अब हम डालेंगे पिस्टन रिंग। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर देता है इस जो नेट रिंग है, इसको उल्टा फिट करने से क्या होता है, वाइल को लॉक ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ये हम लोग किस तरह से सेटिंग करें आपको बता देते हैं मेरे मैकेनिक भाइयों। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, आपकी तरफ से एम लग रहा है, और इस साइड से डब्लू लग रहा है। तो जैसे कि पिस्टन हमारा इस साइड से है, तो हमको एम साइड बनाना है। आप लोग जब देख रहे हैं कैमरे के साइड से, तो इस तरह से लग रहा है एम साइड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ये जो वायल रिंग है, इसको हमको दबाना है और देखना है कौन सा साइड पर भाग रहा है। तो ये साइड से भाग रहा है, तो हमको इसी हिसाब से रखना है, ठीक है, इसी हिसाब से रखना है। तो चलो, हमने इस वायल रिंग को बस सेटिंग कर दिया। अब हम दूसरा रिंग असेंबली करने वाला हूँ, तो इसको भी हमको दबाना है। दबाने के बाद हम इसे दूसरा साइड पर रखाएंगे। चारों रिंग का ग्रुप चारों साइड में रहना चाहिए, जैसे कि हमने कोना कोनी रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं कंप्रेसर वाला रिंग। एक काला होता है, एक सादा सफ़ेद होता है। तो काला वाला रिंग को हम लोग नीचे डालेंगे, ठीक है, काला वाला रिंग को हम लोग नीचे डालेंगे, और सफ़ेद वाला जो रिंग है उसको ऊपर डालेंगे मेरे मैकेनिक भाइयों, ठीक है। क्योंकि जो सफ़ेद वाला होता है वो हार्ड रिंग होता है, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, उसको ऊपर ही देना पड़ेगा। और जो काला रिंग है वो आपका सॉफ्ट है।
तो मेरा पिस्टन रिंग असेंबली हो गया है। अब हम डालेंगे, जैसे कि गजन पिन को हम यहाँ घुसाने वाला हूँ, तो हमने गजन पिन को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, इसको डाल दिया और हम यहाँ एक पैकिंग डालेंगे, ठीक है। तो मेरे मैंने कहा नहीं भाइयों, मैंने पैकिंग भी डाल दिया और दो बैंजर बूस होना चाहिए, बूस अगर ना रहा है तो बूस आप न्यू लगाइए, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये ब्लॉक किट लगाने के बाद आप लोग कुछ इस तरह का लुब्रिकेंट कर लीजिए और अच्छी तरह से टॉप में करके पिस्टन को रख दीजिए, एकदम सबसे ऊपर पिस्टन टॉप पर हमने रख दिया, ठीक है, बस ठीक है। अब हम डालेंगे ये जो टाइमिंग गार्ड डालने वाला हूँ, टाइमिंग गार्ड को हम डालेंगे, बस हमने डाल दिया, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग थोड़ा रिजिबन आटा दे देंगे, इसमें चिपक जाता है और ये अच्छी तरह से सेटिंग करता है, ठीक है, बस हल्का देना, ज़्यादा नहीं। और हेड को इस तरह के हम लगाएंगे, टाइमिंग चेन को ऊपर भर देंगे और ये जो गाइड वगैरह है हर कोई चीज़ को अच्छी तरह से सेटिंग करेंगे, ठीक है। मेरे मैकेनिक भाइयों, हमने हेड सेटिंग कर लिया है, अब हम रॉकर को सेटिंग कर कैमशाफ्ट का टाइमिंग सेटिंग करेंगे। तो ये जो रॉकर का कैमशाफ्ट होता है, कैमशाफ्ट का नीचे वाला जो हिस्सा है हम इसे नीचे वाला पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका नीचे वाला पे रखने पे कैमशाफ्ट पोजीशन नीटोल होता है। और हमने पिस्टन को टॉप में रखा है, फिर भी हम चेकअप कर लेंगे क्योंकि हम इसे लगाने वाला हूँ, लगाने के बाद हम अच्छी तरह से फाइनली चेकअप करेंगे इसका टाइमिंग पिस्टन टॉप पर है कि नहीं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं आगे का। इस नाट को अच्छी तरह से आप लोग टाइट कीजिए, क्योंकि ये नाट अगर ढीला रहेगा तो बाइक का साउंड क्वालिटी ख़राब आएगा, तो आप लोगों को ढीला रखना है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोग देख पा रहे हो टाइमिंग का पोजीशन हमने क्या रखा, ये जो इस पॉकेट का पोजीशन यहाँ है और ये जो हेड का पोजीशन यहाँ है, तो हमने सेम रखा और पिस्टन को टॉप में किया, टाइमिंग सेटिंग हो गया। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग रॉकर एडजस्ट करें, एडजस्ट वाल्व इसको ज़्यादा ढीला रखेंगे क्योंकि ये एक घंटा बाद कटने का चांस होता है। तो चलो ये सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को स्टार्ट मार के आप लोगों को फाइनली बताता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, चलो हम बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे दिख पा रहा है हर कोई चीज़ हमने सेटिंग कर लिया है, कार्बोरेटर भी, सेटिंग साइलेंसर भी। अब हम इस बाइक को स्टार्ट करने वाला हूँ, चलो बाइक को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ।